राम राम मंडली के साथ से गए मजे ना। तो आई एम सौरव राजमन एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस इस ब्लॉग की शुरुआत मैंने कल मेरे घर में की थी, बट ये माइक खराब हुआ था, उसके वो स्पॉट रहता है अंदर, उससे वायर टूट गई थी, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ दूसरे दिन। तो मैं भी हूँ मेरुलिंग के नीचे, मतलब मेरुलिंग के यहाँ घूमने आया हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप देख ही लोगे, मतलब अलग स्पॉट पे जाने वाले हैं हम। मैंने मेरी गाड़ी शुरू की और गया मैं स्वप्निल के घर और स्वप्निल को उठा के फिर गया माहौली। तो संगम माहौली करके एक गाँव है, वहाँ पे एक शिवजी का मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ पे आज का व्लॉग होने वाला है। सो आज का व्लॉग पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड और एक चीज़ हमने मतलब लाई है, हमारे फैमिली में आई है, एंड ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी मुझे कैंपिंग के लिए फ्यूचर में। सो ये चीज़ बहुत काम की है। सो हम लोग गए एंड वहाँ पे कैसे जाना है, सातारा से, सातारा रेलवे स्टेशन जो है उस साइड आगे 2 किलोमीटर बस जाना है। तो ये सीधा रोड यहाँ से जाता है रेलवे स्टेशन, एंड यहाँ से आपको मुड़ना है रेलवे स्टेशन के पहले चौक दी गई का बड़ा वन मोड़ लेफ्ट, एंड इस रास्ते से सीधा जाना है, कहीं पर नहीं रुकना, सीधा नदी में जाओगे। मतलब आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस लोकेशन की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जा सकते हो। तो हम लोग वहाँ पे गए एंड अब आगे की कहानी व्लॉग बताएगा। ओहो ओहो क्या लो लग लो चिल्ला देखो कैमेरा देख के एक्टिंग करने शुरू यार गेस कर ला काय येतात यार तुला माहिती आहे नाटकी नगर गेसल मी हेल्मेट काढू का नको असं चलो गाइस मेरे बाल जो है वो बहुत खराब हो गए, बट क्या करें, हेलमेट पहनने के बाद उतना होता ही है। तो एक्चुअली ये मंदिर है कोरोना की वजह से बंद है, एंड ये पीछे की साइड ऐसी कमान है की हुई है, एंड यहाँ पे भी एक मंदिर है, बट अभी से भी मंदिर बंद है। आई डोंट नो कि बहुत बड़े जो मंदिर है जैसे कि कोल्हापुरची महालक्ष्मी, जेजुरीचा खंडोबा, वो वाले बड़े वाले मंदिर है, वो बंद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत मतलब भाविकों की बड़ी तादाद में लोग आते हैं, बट यहाँ पे मतलब बहुत कम लोग आते हैं। सो आई थिंक ये ओपन रखना चाहिए। ओहो स्वप्निल, सो मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो, एंड ये घाट उतरने के बाद नदी है, वाह, और उस साइड भी मंदिर है बहुत बड़ा। बंदे पबजी खेल रहे हैं भाई साहब। इसमें जो चीज है वो ये है, जो चीज थी वो ये है, एंड मेरी चेयर ओपन हो गई, सो फिर अभी फिगर आउट कर रहा है कि एग्जैक्टली करना क्या है भाई साहब। चार ही पाए इतना तेजे ओढ़ ये हमने यहाँ पे चेयर लगा दी हमारी, अभी इधर बैठेंगे। सनसेट तो हो गया है, तो सनसेट का भी लुफ्त उठाते हैं, बट सनसेट ऑलरेडी हो गया है, तो भाई साहब यहाँ पे बैठेंगे। आए है कभी तो सोचा ना था भाई साहब कि ऐसे चेयर लेके कहीं पे जाएंगे एंड बैठेंगे, बस ना हो गया मेरे टड़कना टड़क जित पर नजर जाती है जित पर सगळा आपले। सो गाइज अभी थोड़ी देर पहले सनसेट हो गया है, एंड अभी थोड़ा मतलब लाल गुलाबी हो गया है आप समझ जाओ, एंड ये कृष्णा मैया बह रही है,
एंड जितना इम्पोर्टेंस गंगा मैया को इंडियन कल्चर में, उतना ही इम्पोर्टेंस कृष्णा मैया को महाराष्ट्र के कल्चर में एंड इंडियन कल्चर में भी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रिवर महाबलेश्वर से शुरू होती है एंड बंगाल से उपसागर मतलब बे ऑफ बंगाल को जाके मिलती है। इतने गाँव को ये पानी पिलाती है एंड यहाँ पे संगम, एक्चुअली यहाँ से एक नदी आती है वेन्ना, यहाँ से कृष्णा आती है एंड दोनों नदियों का संगम है। आपको मतलब ड्रोन होता तो ऊपर से दिखा था भाई साहब ऐसे उड़ा के, मतलब मैं ऐसे खेद नहीं जता रहा कि मेरे पास ड्रोन नहीं है, बट बता रहा हूँ कि ऊपर से दिखा था। वहाँ से आती है वेन्ना, यहाँ से आती है कृष्णा एंड यहाँ पे दो नदियों का संगम है एंड वहाँ पे एक शिवजी का मंदिर है, मेरे पीछे भी शिवजी का ही मंदिर है। इस जगह के एक्चुअली बहुत हिस्टोरिक रेफरेंस है, मतलब एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है मंदिर कब बनवाया वगैरह, बट बहुत सी हिस्ट्री है इस जगह को एंड अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री भी पता है तो यहाँ पे भी वो आए थे एंड तो मैं अभी हिस्ट्री समझाने बैठूंगा तो हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी एंड शॉर्ट में समझाऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि आप छत्रपति संभाजी महाराज का हिस्ट्री पढ़ो। तो गाइस बहुत दिन हो गए कि मैं सोच रहा हूँ कि कैंपिंग का सेटअप करूँ, तो अभी कैंपिंग के सेटअप में ये चीज़ आ गई, मतलब मैंने सोचा नहीं था। एक्चुअली ये ख़रीदी नहीं है मैंने, पापा के कोई करीबी है उनको नहीं लगने वाली थी ये चेयर्स, तो उन्होंने दे दी और मेरे काम आ गई। मतलब ऐसी और एक चेयर है घर पे एक्चुअली एंड हम लोग, मैंने सोचा कि यहाँ पे आके इस सर्कल में बैठेंगे भाई साहब मुझे करेंगे, तो यहाँ पे बैठने के बाद बहुत अच्छी वाइब आ रही है। मतलब ऐसी धीमी धीमी हवा चल रही है, पंछों की आवाज़ आ रहे हैं एंड आगे कृष्णा मैया बह रही है, उस साइड शंभू भगवान का मंदिर है, सो बहुत प्यारी वाइब है एंड आपको पता ही है लाइफ में क्या चाहिए, मतलब अच्छी वाइब के सिवा लाइफ में चाहिए क्या। और भाई साहब वाइब नॉट वाइफ गाइज, वाइब स्वप्निल को लगा कि मैं वाइफ बोल रहा हूँ, वाइफ के सिवा और कुछ चाहिए, बट अभी मैं वाइब बोल रहा हूँ WIBE। तो और एक चीज़ गाइज कि मैं जल्दी टेंट लेने वाला हूँ, मतलब ऐसे लेने से पहले होशियार की नहीं कहते बट मैं जब बोलता हूँ तभी लेता हूँ, मतलब मैं उसके दिशा में काम कर पाता हूँ। तो ऐसा सीन है, अभी सुजीत आ रहा है, मतलब वो मेरे घर आया था मुझसे मिलने, बट मैंने बोला कि यहीं पे आ जाओ भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। तो सुजीत आलेला है, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अभी सुजीत आ गया भाई साहब, मतलब अभी अंधेरा हो गया है, सब नॉइज आ रहा है, बट कोई सीन नहीं, GoPro मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि GoPro का लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। सो सुजीत साहब बस 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 तुमच्या साठी सांगले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या आयडिया कशी वाटली तुला, कन्सेप्ट कशी चेअरची? वाव गुई झालेला आहे, होगा काय सीन दिसतोय, क्या सीन दिख रहा है भाई साहब, टॉप लेवलची भानगड आहे ती। और यहाँ पे मतलब ऊपर से कैसे दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो गाइस अभी अंधेरा हो चुका है एंड हमारी चीजें बहुत ऐसी फैला के डाली है, मतलब GoPro कहाँ पे, उसका स्क्रू कहाँ पे मालूम नहीं, माइक तो मेरे हाथ में। तो गाइस सॉरी कॉल आ गया था एंड तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग किसी भी रीजन के लिए आपको अच्छा लगा होगा तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू नो इंग्लिश। तो आपको सच में लग रहा है कि बंदा काम कर रहा है तो सब्सक्राइब ठोको, बाकी कुछ नहीं, मतलब सब्सक्राइब ठोको जो बोलने में मजा है ना वो नहीं है अंग्रेजी में, इसलिए मैंने अंग्रेजी टाला, ऐसा नहीं कि मेरे को आती नहीं है। सो वो आई सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, चबा केयर। अरे झालं की संपलं की आता, अरे तू या ब्लॉक मध्ये या असलं काहीतरी करतो व्यवस्थित सगळं मजा आहे।